हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज है दिन सोमवार का और मैं यहाँ आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। ये देखिए आप, आज मैं क्या बनाने जा रही हूँ। तैयारी कर ली है मैंने पूरी, आलू काट दिए हैं, ये है मटर, प्याज और ये टमाटर। आज मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। प्लीज़ दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं अभी आपके साथ ये रेसिपी शेयर करूँगी, देख लीजिएगा। मेरी सब्ज़ी की हो गई है पूरी तैयारी। ये जो सब्ज़ी है दोस्तों, मैं हमेशा कुकर में ही बनाती हूँ। मुझे इसका जो स्वाद है वो कुकर में ही ज़्यादा आता है। कढ़ाई में बनाएंगे तो इतना टेस्ट नहीं आएगा जितना कुकर में बनाने से आएगा। कुकर में बनाने के साथ ही इसे फिर दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दीजिएगा। तो यहाँ मैंने ऑयल ले लिया है कुकर में और उसमें मैंने डाल दिया है ज़ीरा। ज़ीरा क्रैकल हो जाए तो इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हींग। दोनों को हल्का सा भुनना है और उसके बाद हमें इसमें जो मैंने मसाले तैयार किए थे वो डालने हैं। यहाँ मैंने चॉप किया हुआ लहसुन और प्याज डाला है, एक लहसुन और सात छः सात कलियाँ लहसुन की हैं, एक प्याज और छः सात कलियाँ लहसुन की मैंने इसमें डाल दी हैं। और इसको हम अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे। ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो उसके बाद इसमें मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने डाला 1.5 चम्मच नमक, आधी चम्मच लाल मिर्च, आधी चम्मच कश्मीरी रेड चिली, आधी चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच इसमें मैंने डाला धनिया पाउडर। इन सबको प्याज के साथ ही अच्छे से भून लेंगे तो इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। और अब इसमें ऐड कर देंगे टमाटर। यहाँ मैंने ले लिए 5 टमाटर और छोटा सा एक पीस लिया था अदरक का। ये सब डाल के इसमें अच्छे से भून लेंगे। ऑयल रिलीज़ होने तक हमें ये मसाला भूनना है। ये देखिए मसाला कितने अच्छे से हमारा भूनकर तैयार हो गया है, कितना अच्छा लग रहा है। ऑयल बिल्कुल अलग हो गया है। अब हमारा मसाला रेडी है। अब इसमें हमें सब्जी को ऐड करना है, हमारी जो मैंने काट के रखी थी। यहाँ मैंने 1/2 किलो मटर और 3-4 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, ये डाल देंगे इसमें और मसाले के साथ इसको भी फ्राई कर लेंगे। इसको अच्छे से भूनने के बाद इसमें डालेंगे 1/2 ग्लास पानी। हल्की सी रसेदार सब्ज़ी अच्छी लगती है ये, पानी आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। मैंने मतलब बिल्कुल रसबसी सी बनाई है, ज़्यादा तरी भी नहीं है और सूखी भी नहीं है। और इसमें फिर 1 सीटी आने के बाद 10 मिनट रखना है। मैं 7 मिनट या 8 मिनट आप रख लीजिएगा सिम पे, बिल्कुल धीमी आँच पे इसे रख दीजिएगा। इसके बाद मैंने इसमें कसूरी मेथी डाली है थोड़ी सी। इस कसूरी मेथी से ना सब्ज़ी में खुशबू बहुत अच्छी आती है और हमारी हेल्थ के लिए भी कसूरी मेथी अच्छी होती है। तो मैं ज़्यादातर सर्दियों में तो ज़रूर हर डिश में डाल देती हूँ, पराठों में डाल देती हूँ, तो फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ मेरी सब्ज़ी जब तक रेडी हुई, मैंने यहाँ किचन को पूरा क्लीन कर दिया है। यहाँ देखिए 1 सीटी आ गई है। 1 सीटी आने के बाद इसे मैंने 7-8 मिनट तक रख दिया था। ये लीजिए मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, इतना अच्छा रंग आया है। सब्ज़ी खाने देखने में भी बहुत स्वादिष्ट लगे तो भूख डबल हो जाती है। तो खाना हमेशा स्वाद, स्वच्छ और सुंदर बनाएं तो खूब तारीफ होगी फैमिली में। ये खाना आज सबको बहुत पसंद आया था। यहाँ रोटी भी तैयार हो गई है और सब्ज़ी भी रेडी हो गई है। आइए आप लोग भी डिनर कर लीजिए। प्लीज़ दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। राधे राधे दोस्तों, बाय बाय।